जम्मू कश्मीर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती देर शाम राजौरी की थाना मंडी तहसील के शादरा शरीफ दरगाह पहुंची और रात को वहीं रुककर सजदा किया। उसके बाद आज सुबह वह पुंछ के लिए रवाना हुई और जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पहले सुंदरबनी में पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं का वहां पर स्वागत किया और वहां पर पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। दिल में एक बहुत ही अच्छा नक्शा था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाले, लोगों की तरक्की कैसी हो, और उसमें खिते पीर पंचाल क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, इसलिए मुफ्ती साहब ने सबसे पहले यहाँ एक मुगल रोड बना दिया। फिर वो टनल बनाना चाहते थे, पर अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी नहीं दी, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और कोशिश की कि ये जो खिता अलग पड़ा रहता है, कश्मीर जाने के लिए 2 दिन का रास्ता तय करना पड़ता है, ये जल्दी हो जाए, लोगों की आमदरफ्त हो जाए, आसपास हो जाए, तो इंशाल्लाह मुझे भी मेरा खिता जो है पीर पंचाल, जिस तरह मुफ्ती साहब को बहुत अजीज था, बहुत प्यार था, मुझे भी है। मैंने तो बहुत यहाँ के लोगों की खिदमत में, लोगों ने मेरी खिदमत की है, मैं बार बार आई हूँ पहाड़ों पे, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है यहाँ के लोगों के मुश्किलात का, यहाँ के प्रॉब्लम्स का। तो इंशाल्लाह हमने भी दिल में रखा है कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने, हम उनसे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर कम से कम उनके नक्श कदम पर चल के यहाँ के लोगों की खिदमत कर सकते। जनसभा को संबोधित करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तो आपने यहाँ के लोगों के चेहरे देखते हुए महसूस किया होगा, लोग बड़े मायूस हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधली होती है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एनक्रोचमेंट, यानी कि वो कोई मुसीबत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इस वक्त 2019 के बाद शुरू नहीं हुई, जो बीजेपी सरकार नहीं डाल रही है, तो हालात बहुत खराब है। अच्छी तो इस पूरे सिलसिले को कैसे निकालेंगे आप, मतलब आप हमेशा, मतलब आपकी स्टेटमेंट है कि इस पूरे सिलसिले को हम निकालेंगे, क्या रहेगा? देखिए मुझे एक ही उम्मीद नजर आ रही है कि जो हमारे साथ हो रहा था, जिस तरह हमको यहाँ पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था, बड़े बड़े लीडरों को भी जेल में डाला गया, तो मुल्क की जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो ये बात समझ नहीं पा रही थी, और आज जब मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ा के अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाला जा रहा है किसी वजह के बगैर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को भी समझ आ रही होगी कि जो मैं बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनी हुई है, यहाँ टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पूरे मुल्क में दोहराया जाता है, आज वहाँ भी वो महसूस करेंगे और शायद उनके दिल में कोई ऐसी, कोई जहन में कोई ऐसी बात जाग जाए, वो महसूस करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में हैं। मैडम कब तक एलजी का दौरा, ये रूल चलता रहेगा, असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या कैसा रहेगा? वो मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो बीजेपी को फैसला, इलेक्शन कमीशन को तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले कहा था हम रेडी हैं, ये तो बीजेपी फैसला करेगी, जब उनको लगेगा कि सारा यहाँ मामला उनके हिसाब से ठीक हुआ है तो। पुंछ से दी अर्थ न्यूज़ टेक्स की रिपोर्ट।